पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे रोज पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम एक मरतबा फिर गलत आउट। पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम मुश्किलात का शिकार। आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल देता हूं, तो आज की इस वीडियो को प्लीज आपने शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हमजा स्पोर्ट्स। इस वक्त पाकिस्तान वर्सेज साउथ अफ्रीका दूसरा टेस्ट मैच जारी है। पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम शदीद किस्म के मुश्किल का शिकार है। आज की इस मैं आपको मुकम्मल डिटेल देता हूं, तो आज के इस वीडियो को आपने कहीं पे भी स्किप नहीं करना। इसके साथ साथ मैंने पिछली वीडियो में एक सवाल किया था, अगर आपने उसका सही जवाब दे दिया तो मेरी तरफ से आपको 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। वो सवाल कौन सा है मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आपने जाकर वो वीडियो सुन लिया। अगर उसका जवाब आपको आता है तो आपने उसका जवाब देना और मेरी तरफ से आपको 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, तो इसलिए आपने वो वीडियो जाकर जरूर सुननी है। पाकिस्तान वर्सेज साउथ अफ्रीका दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे रोज पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम की तरफ से पहले टेस्ट मैच में डेब्यू करने वाले इमरान बट आज फिर सिफर पर आउट होकर आबिद अली ने 13 रन बनाए, अजहर अली ने 33 रन बनाए और पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम एक मरतबा फिर गलत आउट हो गए। बाबर आजम ने आज के मैच में 8 रन बनाए हैं। पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम के मिडल ऑर्डर के बैट्समैन फवाद आलम ने 12 रन बनाए हैं। इस वक्त पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम की तरफ से फहीम अशरफ और मोहम्मद रिजवान पिच पर मौजूद है। पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान 35 बालों पर 25 रन बनाकर और पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर फहीम अशरफ 32 गेंदों पर 26 रन बनाकर पिच पर मौजूद है। अब आपको बताता हूँ की पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम एक मरतबा फिर गलत आउट कैसे हुए। लेकिन उससे पहले आप सबसे हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन पर क्लिक कर दें। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका दो टेस्ट मैचों की सीरीज में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की 2 मरतबा बारी आई, लेकिन बाबर आजम 3 मरतबा वही शॉट खेलकर आउट हुए जिस पर पहली मरतबा वो आउट हुए थे। पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम को इस सीरीज में 3 मरतबा मेहराज ने आउट किया। पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम लेफ्ट आर्म स्पिन को बिल्कुल भी नहीं खेल पाते। आपने क्या ये चीज नोट की है? अगर आपने नोट किया तो आपने कमेंट बार में हमें जरूर बताना है, मैं आप सबके कमेंट का इंतजार करूंगा। इसके साथ साथ मेरा आपसे दूसरा सवाल है, अगर आपने इसका सही जवाब दे दिया तो मेरी तरफ से आपको 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। पाकिस्तान वर्सेज साउथ अफ्रीका दूसरा टेस्ट मैच कौन सी टीम जीतेगी? अगर आपने सही जवाब दे दिया तो मेरी तरफ से आपको 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, तो इसलिए आपने अपने लक को जरूर आजमाना है और कमेंट बार में हमें कमेंट करके बताना है कि पाकिस्तान वर्सेज साउथ अफ्रीका दूसरा टेस्ट मैच कौन सी टीम जीतेगी। वो सवाल जिस पर 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आपने जाकर वो वीडियो सुननी है और उस वीडियो में जो सवाल किया गया उसका जवाब जरूर देना है। ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।